हैम्पर गिफ्ट आई थी जो कि हस्बैंड गए हुए थे एंगेजमेंट में, तो वहाँ से मिली थी। और यहाँ हो चुकी है दूसरे दिन की सुबह, तो सुबह सुबह मैं मिस्टी दही खा रही हूँ। तो कैसे आप सभी, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह बना रही थी दाल, जिसमें मैं डाली थी हल्दी और नमक, और यहाँ पे मैं अरहर दाल पकने के लिए कुकर में डाली हूँ, और दो हिस्सा लाएंगी और हमारी दाल बन जाएगी। और इधर एक पैन में मैं गरम पैन को गरम कर लूँगी और उसमें मस्टर्ड ऑयल डालूँगी एक टेबल स्पून के अराउंड, और इसमें पचफोरन ऐड कर दूँगी, जो भी पचफोरन ऐड होते हैं, सौंफ, जीरा, मेथी दाना, सरसों और अजवाइन ऐड कर दूँगी। पचफोरन ऐड करने के बाद इसमें मैं सूखी लाल मिर्च और तेजपत्ता डाल दूँगी और इसे अच्छा मैं ब्राउन करके भून लूँगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ गुरम्मा आम की मीठी वाली चटनी। यहाँ 2 मिनट तक कच्चे आम को हम अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद इसमें मैं थोड़ी सी नमक ऐड करूँगी। इस चटनी में थोड़ी सी हम काला नमक ऐड करेंगे, इससे जो गुरम्मा की जो टेस्ट है ना बहुत अच्छी लगती है। गुरम्मा बोलो आप या फिर अंगूरा बोलो, तो काला नमक डाल करके बस हम इसे मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और थोड़ी सी जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो भी यहाँ पर हम ऐड करेंगे। अगर आपके पास भुना जीरा पाउडर हो ना तो वो भी आप ऐड कर देना। यहाँ पे मेरे पास ख़त्म हो गई थी तो मैं नहीं ऐड की हूँ भुना जीरा पाउडर, बस इसे मिक्स करें और फिर इसमें गुड़ ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप गुड़, चीनी, खांड जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देसी गुड़ भी ऐड कर रही हूँ, जिससे कि गुरम्मा का जो कलर है ना चटनी का थोड़ा सा डार्कर कलर में होगा, आप देखिएगा आगे। गुड़ ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं 1/2 कप पानी ऐड की हूँ और इसे ढक दूंगी ताकि जो आम है वो भी पक जाए और गुड़ भी अच्छे से गल जाए। ये देसी गुड़ होने की वजह से इस तरह से थोड़ा सा डार्क कलर हुआ है इस आम की चटनी का। ये मीठी चटनी को हम गुर्रा गुरम्मा भी कहते हैं। इसे आप चीनी से भी बना सकते हैं, बट मैं देसी गुड़ से बनाई हूँ क्योंकि थोड़ी सी डार्क सी कलर सी थी, इस वजह से कलर इसका ऐसा है। तो ये बन चुकी है, तो गैस का फ्लेम मैं बंद करती हूँ। आज सब्जी कुछ भी नहीं थी, अब शाम को आएगी। तो ये कुछ भुजिया बनी हुई थी बेटे के लिए सुबह के लिए, और यह दाल बना दी, अब चावल बनाऊँगी और खाना बन जाएगा हमारा। लंच में ब्रेकफास्ट कुछ भी करूँगी, बर्तन वगैरह रखूँगी और कुछ धोने के सब धुलूँगी अभी मैं। बर्तन वगैरह सब कुछ धुल चुकी है और यहाँ भुंजिया बन गई है, इसमें दाल बन गई है, तड़का लगाऊंगी और ये चावल पूरी है इधर, ये भी 3-4 मिनट में हो जाएगी लगभग। हस्बैंड को ग्लूकोज देने के लिए यहाँ पे मैं बॉटल खोज रही थी क्योंकि बॉटल मिल नहीं रही थी, और लंच में पैक करूंगी अभी उनकी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हमारी काम हो चुकी है सुबह की, अब हस्बैंड के लिए मैं लंच पैक करूंगी, जो भी खाना था बन चुके हैं, और कुछ बनाऊंगी भी थोड़ी देर में भी हस्बैंड ला करके दे करके जाएंगे, तो वो बनाऊंगी। भुजिया बनाई थी आलू की बेटे को टिफ़िन में देने के लिए, थोड़ा ज़्यादा ही बना दी। हस्बैंड को टिफ़िन में वही दूँगी भुजिया, दाल चावल, खीरा और चटनी की मीठी वाली चटनी बनाई हूँ आम की, वो दूँगी। तो चलिए फटाफट से मैं लंच पैक करती हूँ और घर के सारे काम हो चुके हैं, पूजा पाठ जो भी थे सब कुछ हो चुके हैं घर में। मैं भी नहावा ली हूँ और लंच पैक करके देती हूँ, उसके बाद मैं क्या खाऊँगी ब्रेकफास्ट में दिखाऊँगी। और हस्बैंड को मैं, उनको खाना था ब्रेड जैम, तो वो बना के रख दी हूँ, वो खाएंगे अभी। चलिए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं लंच पैक कर रही, तो लंच में क्या क्या देती हूँ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं खीरा फटाफट से पहले काट लूँगी और खीरा दूँगी ज़रूर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सैलेड बहुत ज़रूरी है। खीरा के साथ में मैं कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ, ना ही प्याज ना टमाटर, कोई ऐसी वेजिटेबल्स जो सैलेड में डाली जाती है वो नहीं दूंगी, सिर्फ मैं यहाँ पे खीरा डालूंगी और खीरा को छील करके, और नमक वगैरह भी नहीं डालूंगी क्योंकि नमक अगर डालते हैं ना तो उससे खीरा अपनी पानी छोड़ देता है और फिर खीरा थोड़ी सी गल जाती है। और खीरा को जब हम कट भी करेंगे ना तो बस मोटी मोटी सी ही कट करेंगे। लंच बॉक्स के लिए मैं खीरा कट कर ली हूँ। यहाँ पे मैं दाल डाल रही हूँ टिफ़िन में, और एक टिफ़िन में यहाँ पे मैं आलू भुजिया बनाई थी जो कि मैं सूट नहीं की थी। यहाँ पे मैं चावल पैक कर रही हूँ, चावल बिल्कुल थोड़ी ही दी थी मैं क्योंकि उनको ज़्यादा खाने का मन नहीं था इस वजह से। और इस टिफ़िन में मैं डालूँगी जो आम की चटनी बनाई थी ना मीठी वाली गुरम्मा चटनी,
वो इसमें डालूंगी मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं कुरमा टिफिन में पैक कर रही हूँ। लंच बॉक्स में सभी मैं लंच को डाल दी हूँ और सभी के लीड अच्छे से लगा दूंगी। ऐसे ये लीक प्रूफ है, गिरेगी नहीं है, बट फिर भी मैं ध्यान से इसे लॉक कर दूंगी। और एक बोतल में मैं थोड़ा सा ग्लूकोज डाल दूंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये है लंच बॉक्स की बैग जिसमें कि चारों जो ग्लास वाली टिफिन है आ जाएगी, और एक स्टील वाली टिफिन और ग्लूकोज की जो बॉटल है वो मैं अलग से दे दूंगी ताकि वो बैग में रख ले, क्योंकि इसमें वो आएगी नहीं। तो ये ग्लास वाली टिफिन काफ़ी अच्छी है और क्लीन करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, अच्छे से क्लीन हो जाती है ये। तो इसे हमारे गांव में, पापा के गांव में माड़ा कहा जाता है। इस तरह से मैं लूँगी। ये नाश्ता वगैरह के लिए बहुत हेल्दी होती है, इससे ना लड्डू वगैरह भी बनते हैं, बाढ़ में इसके बाढ़ के लड्डू बनते हैं। तो ये बहुत हल्की सी होती है ना, और जो नवरात्रि में चढ़ते हैं ना लड्डू दुर्गा जी को, ये वही वाली चीज़ है। और मैं जमाई थी दही मीठी वाली मिष्टी दही, उस तो हमारे हस्बैंड खा गए और कुछ ये बची हुई है। सबसे पहले ये पानी जो थोड़ी सी छूट गई है ना, इसे मैं काफ़ी क्रीमी मलाई वाली दही जमी थी, ऐसा नहीं बोलूँगी कि पानी नहीं छूटी थी, पानी छूटी थी इसमें थोड़ी सी। अभी जैसे आपने देखा है कि मैं इसमें डाली हूँ तो पानी निकली है दही वाली। तो ये है आज मेरी सुबह की ब्रेकफास्ट, तो मैं यही खाऊंगी दही और ये माढ़ा। चलिए मैं खाती हूँ। हस्बैंड गए थे रात पार्टी में, मतलब शादी की किसी की एंगेजमेंट थी, वहाँ गए थे, इनविटेशन था। तो क्या रिटर्न गिफ्ट मिला है मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो ये कुछ स्नैक्स, ये कुकीज, ये कुछ क्रैकर्स एंड डिप्स है कुछ, ये है लीची जूस, ये एक कैन कोक की है, ये है मखाने, ये भी काइंड्स ऑफ चिप्स है, ये मुझे बहुत पसंद है, ये आलमंड टॉफी, और ये कुछ पीनट स्नैक है, नमकीन पीनट्स है हिंग वाले, और ये है वो कठिया बोलते हैं हम लोगों के इधर बेसन वाली, और ये है पेरी पेरी नाचोस क्रिस्पी। तो ये कुछ आई हुई थी। ये लाइट यहाँ चेंज हो रही है, मुझे ऐसी वीडियो आ रही होगी। तो दाल चावल, ये बेसन की वो रखी हुई सब्जी बनाने के लिए जो मैं चाड़ के बनाई थी, ये आम की मीठी चटनी, और ये अचार। सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, सब्जी थी नहीं, तो सुबह में आलू की भुजिया वगैरह ही बनी थी। चलिए फटाफट से मैं लंच कर लेती हूँ। साथ में बेटा लंच कर रहा है। करीब 4 से 5 बजे के करीब मैं यहाँ पर, 5 बजे के करीब मैं यहाँ पर ग्लूकोज पी रही थी, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और ग्लूकोज थोड़ा सा अच्छा लगता है पीने में इस वजह से। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली से इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जो नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।